हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस को। इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में जैसे कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट और भी सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए पहले अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। पहले की एक वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ज़रूर देखिए। उसको अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी, तो उसको आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी थिंग्स टू डिस्कस। तो इसमें हम सेक्शन टू बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिसमें सेक्शन टू के क्लॉजेज़ हैं ए टू जे, जो कि 10 क्लॉजेज़ हैं टोटल। उनको हम आज डिस्कस करेंगे। इन द मैटर ऑफ एग्जामाइन द इंटरप्रिटेशन क्लॉज, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू डू सो। इंटरप्रिटेशन में यदि हम एग्जामाइन करेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज को, या इंटरप्रिटेशन क्लॉज को एग्जामाइन करना जब होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई अथॉरिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ। नेक्स्ट आते हैं प्रपोजल। सबसे पहला हमारा टर्म है प्रपोजल। तो प्रपोजल बेसिकली क्या है? द टर्म प्रपोजल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो प्रपोजल हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइंड है। उसकी डेफिनेशन क्या है? वन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट इज सेड टू बी सेड टू मेक ए प्रपोजल। तो बेसिकली प्रपोजल क्या है? एक तरीके से ऑफर। प्रपोजल और ऑफर सेम ही है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जब भी हम जैसे प्रपोजल दे रहे हैं, ये बोलते हैं कि किसी को अपनी कोई चीज़, कोई भी वस्तु, जैसे मैं मुझे ये यहाँ पे जो ये बोल रहा है, वन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हीज विलिंगनेस, मतलब कि जब भी एक आदमी अपनी विलिंगनेस, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करता है कि हाँ मुझे ये बेचना है, मुझे खरीदना है, या फिर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो विलिंगनेस को हम कंसिडर करते हैं एज ए प्रपोजल। आप जैसे सपोज करिए कि एक मैन है ए, ठीक है, और एक है बी, ठीक है। अब ए के पास कोई बाइक है, तो ए बी से कह रहा है कि भाई मेरे को बाइक बेचनी है। तो बी से बोला कि बाइक बेचनी है, तो बी देखा कि हाँ भाई इसको बाइक बेचनी है, तो ए मेक्स ए प्रपोजल टू बी, ए मेक्स ए प्रपोजल टू बी टू सेल हिज बाइक। अब आगे देखते हैं, अब बी क्या करता है? प्रॉमिस। द टर्म प्रॉमिस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिफाइंड है प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। क्या लिखा है? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, द रेटो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो जब भी प्रॉमिस हो रहा है अगर, तो क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल अभी आपको दिया था कि ए है और बी है। तो ए ने अपनी बाइक बेचने के लिए बी को कहा, भाई मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ। तो भाई अब यहाँ पे बी क्या करेगा? बी को या तो एक्सेप्ट करना है या तो फिर एक्सेप्ट नहीं करना है।
उसे यस बोलना है या तो फिर नो बोलना। तो बी ने जब बी अगर यस बोलता है तो वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है। अब जब वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो ही मेक्स अ प्रॉमिस, ठीक है। वो प्रॉमिस करता है तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही प्रॉमिस है। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो देखा ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ये लाइन आप याद रखिएगा। जब भी प्रॉमिस की बात आए, ये कोई भी प्रपोजल अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। द टर्म प्रोमिसर एंड प्रोमिसी हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। तो जो भी पर्सन उसमें कह रहा है, उस लाइन में जो भी पर्सन अगर प्रपोजल प्रेजेंट कर रहा है, प्रपोजल कर मतलब प्रपोजल प्रेजेंट कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है किसी को, प्रपोजल मेक कर रहा है, मेकिंग द प्रपोजल, तो उस पर्सन को प्रोमिसर कहते हैं। मतलब कि जैसे अभी हमने आपको प्रपोजल बताया था कि भैया ए हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, ये ए है और ये है बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए भाई साहब जो भी प्रपोजल कर रहे थे कि हमारी बाइक हमको बेचनी है भाई बी से, तो यहाँ पे ए तो हो गए भाई प्रपोजल और यहाँ पे बी हो गए भाई प्रॉमिस, ठीक है। बी तो यहाँ हो गया प्रॉमिस क्योंकि जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिस हो जाता है। तो यहाँ पे इन्हीं को दो नाम दे दिया गया है, ये हो गए भाई साहब हमारे प्रोमिसर जो कि प्रॉमिस करवा रहे हैं, और ये भाई साहब हो गए हमारे प्रॉमिसी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है जो कंसीडरेशन। तो द टर्म कंसीडरेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी, 2 क्लॉज डी में डिफाइंड है कंसीडरेशन की डेफिनेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी हैज डन और डज All promises to do such act or promise is called a consideration for the promise. So basically consideration means मैं आपको बताया था something in return, जैसे कि दोनों जैसे दो पार्टी हैं, उन दोनों पार्टीज़ के बीच में, जैसे भी मैं ए और बी का एग्जाम्पल हम फिर लेते हैं, तो और ए और बी के एग्जाम्पल में क्या था कि इनको भाई साहब को बाइक बेचनी थी फॉर द नीड ऑफ मनी, इनको भाई साहब को जो है बाइक की ज़रूरत थी, तो इन्होंने भाई पैसा दिया और इन्होंने भाई बाइक दिया। तो दोनों के बीच में कंसिडरेशन है, देयर आर समथिंग एक्सचेंज ऑफ समथिंग। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एग्रीमेंट। द टर्म एग्रीमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लॉज ई में डिफाइंड है एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो इन दोनों के में क्या है कि एग्रीमेंट में जैसे कि अब इसमें बता रहा है कि एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, तो प्रोमिस जिससे है कि हमारे और उनके बीच में भाई वो प्रोमिस कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे बाइक बेचनी है या आपको मैं दे दूँगा। तो उन्होंने भाई बी ने बोला कि ठीक है भाई मैं आपको पैसे दे दूँगा बाइक ले लूँगा। तो एक दोनों के बीच में कंसिडरेशन आ गया, जब भी इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन आया तो मतलब दोनों के आपस में ही कंसिडरेशन बना, तो उस कंसिडरेशन जब बन जाता है तो इसमें एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। द टर्म रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2 के क्लॉज एफ में डिफाइन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है, जैसे जानते हैं, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो यहाँ बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब यही हुआ कि पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब कि पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे
हमारे ए के पास जैसे ये है, ए के पास जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, ए के पास जैसे मान लीजिए ए के पास ये डिवाइस है और बी के पास ये डिवाइस है, तो ए इस डिवाइस को सेल कर रहा है, बी इस डिवाइस को इसके रिटर्न में चाह रहा है, तो दोनों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंसिडरेशन हुआ, प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, ए ने प्रपोजल किया, बी ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि तो दोनों की नीड्स फुलफिल हो रही थी। तो जब ये चीज़ें कंसिडरेशन आपस में हुआ तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, जो वो एक्सचेंज किया तो इसी चीज़ को बोला गया रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, मतलब कि कंसिडरेशन पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का पार्ट क्या है, दिस टू डिवाइसेस, तो इसी को रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बताया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। द वॉइड, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा वॉइड। द टर्म वॉइड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एन एग्रीमेंट नॉन इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो सेक्शन 2 क्लॉज जी में हमारा वॉइड डिफाइंड है। यहाँ पे एग्रीमेंट को ये बता रहे हैं कि अन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू 2H, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि उसमें क्या बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्स बाय लॉ नहीं है तो वो तो डैट विल नॉट कंसिडर एज ए एग्रीमेंट। वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H। क्लॉज H में जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है। एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अभी पीछे वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए वॉइड एग्रीमेंट। तो इसी तरीके से एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जो भी एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो एग्रीमेंट एज ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज आई। क्लॉज आई में हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज दे रेटो बट नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जैसे, तो बेसिकली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तब तो ठीक था, मतलब सब कुछ सही था, सारे एसेंशियल सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सडनली उसमें जो है सडन सर्कमस्टेंसेस के कारण होते हुए, सडन सर्कमस्टेंसेस के कारण मतलब कि एक पार्टी अगर हटती है तो फिर वो वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको भी। सीजेस टू बी कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। द टर्म्स सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज J। ये 2 क्लॉज J में डिफाइंड है सीजेस टू बी कॉन्ट्रैक्ट, मैंने सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाई लॉ बिकम्स वॉइड वेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। मतलब कि जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाई लॉ है तो वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो सीज कर रहा है, सीजेस थ्रू इन्फोर्स कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, कुछ अगर आपको डाउट हुआ हो सेशन में तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट में आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।